डियर स्टूडेंट, बेस टेक्निकल एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एडवांटेज ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर भी करें। ऐप में यदि आप देख रहे होंगे, ऐप के बारे में ज़रूर से ज़रूर दोस्तों को बताएं। बेस टेक्निकल एकेडमी का मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप इसको स्टडी कंटिन्यूस वे में, सीरियली वे में आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर देखें और जितना अच्छा तरीके से हो सकता है उतना अच्छा तरीके से आप इसको देख सकते हैं। एक एक चीज़ को मैं बहुत बारीकी तरीके से डील किया हूँ। पिछले लेक्चर में मैं देखा था कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम क्यों पड़ा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको हम लोग देखे थे जस्ट पिछले क्लास में। इस क्लास में हम लोग देखेंगे इसका एडवांटेज क्या है। बेसिकली वीडियो वहीं से कट हो गया था, इसलिए मैं इसको दूसरा लेक्चर बनाना पड़ा, वो पहले लेक्चर का ही पार्ट है। तो ये जो है हमारा, आज हम लोग ये देखेंगे कि एडवांटेज ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला एडवांटेज जो है लो इफिशियंसी ड्यू टू लो लॉस इन द पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस। अब देखो, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस जैसे कि आपका थायरिस्टर हो गया, जीटीओ हो गया, आपका डायक हो गया, ट्रायक हो गया, सबके बारे में डिटेल्स आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो वो सब में क्या होता है कि बहुत कम लॉसेस होता है, तो उस समय कम लॉसेस होगा तो ऑटोमेटिक है ओवरऑल इफिशियंसी क्या होगा बताइए, ज़्यादा होगा। ओवरऑल इफिशियंसी क्या होगा बताइए, ज़्यादा होगा। लॉसेस कम होगा मतलब इफिशियंसी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, बात समझे। जैसे कि ये जितना ज़्यादा आप लॉस कर दीजिएगा कोई भी चीज़ का, एनर्जी लॉस हो जाएगा तो ऑटोमेटिक इफिशियंसी क्या होगा आपका, कम ही होगा ना। बहुत ज़्यादा धूप में आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाइएगा क्योंकि आपका एनर्जी क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है। तो एनर्जी जितना लॉस होगा, लॉसेस जितना ज़्यादा होगा उतना कम इफिशियंसी होगा, कम लॉसेस होगा तो इफिशियंसी क्या होगा बताइए, ज़्यादा होगा। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो है उसका इफिशियंसी जो होता है नॉर्मल जैसे मोटर जनरेटर ये सब के तुलना में क्या होता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़्यादा इफिशियंसी होता है जो भी डिवाइसेस है। क्लियर। हाई रिलेवल ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर सिस्टम, ये हाईली रिलेवल है। हाईली रिलेवल है मतलब कुछ खराबी हो तो ईजिली इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं कोई भी, क्योंकि और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है। ऐसा नहीं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बहुत कॉस्टली है। बहुत सारा चीज़ जैसे थायरिस्टर का दाम मुश्किल से 15-20 रुपया होता है, इस तरीके से हमारा बहुत सारा ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का भी दाम 20-25 रुपया तक जाता है। तो इस तरीके से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी डिवाइसेस है वो क्या है, बिल्कुल ही कम से कम प्राइस में आता है, बहुत ज़्यादा भी है नहीं। इसके मदद से हम लोग स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं मोटर का, जनरेटर का, यानी फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके, बहुत सारा इसमें ऑप्शंस है। हाईली रिलेबल है, कुछ ख़राब हो तो रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग लाइफ एंड लेस मेंटेनेंस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनी मूविंग सिस्टम। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में कोई भी घूमने वाला पार्ट नहीं होता, जैसे मोटर जनरेटर है तो उसमें घूमने वाला पार्ट होता है, लेकिन कोई भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है उसमें घूमने वाला पार्ट नहीं है। तो घूमने वाला पार्ट नहीं है तो ऑटोमेटिक खराब होने के चांसेस क्या होगा बताइए, कम होगा। फ्रिक्शन लॉसेस सब क्या होगा, कम होगा। इसका खराब होने का चांस कम होता है, इसका लाइफ जो होता है लॉन्गर लाइफ होता है, लॉन्गर लाइफ होता है और लेस मेंटेनेंस कॉस्ट भी होता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसका आयु और मेंटेनेंस कॉस्ट भी होता है क्या, कम से कम, यानी कि ये जो है से बहुत ही अच्छा है। लॉन्गर लाइफ एंड लेस मेंटेनेंस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनी मूविंग सिस्टम, एनी मूविंग सिस्टम के एब्सेंस में इसको लॉन्गर लाइफ एंड लेस मेंटेनेंस होता है। ठीक है। फास्ट डायनेमिक रिस्पॉन्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम क्या है, जैसे कि मोटर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, जनरेटर है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम के तुलना में ये जो पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसका रिस्पॉन्स क्या होता है, फास्ट होता है। रिस्पॉन्स क्या होता है, फास्ट होता है, यानी कि जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा, इतना तेजी से रिस्पॉन्ड करेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और बहुत जल्दी ही क्या करेगा बताइए, रिस्पॉन्ड कर देगा। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी है ये क्या करता है, बहुत ही जल्दी आपको क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। तो ये लॉन्गर लाइफ होता है और इसका रिस्पॉन्स जो होता है क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। किसके कंपैरिजन में, मोटर जनरेटर यानी कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम के तुलना में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी है ये फास्ट रिस्पॉन्स करता है, बहुत तेजी में रिस्पॉन्ड करता है और साथ ही साथ इसमें स्पीड कंट्रोल का भी ऑप्शन होता है। इसके मदद से हम लोग स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, इनपुट का कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत सारा इसमें ऑप्शन है। ठीक है। मास प्रोडक्शन ऑफ पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस हैज रिजल्ट इन लोअर कॉस्ट ऑफ द कन्वर्टर इक्विपमेंट। यानी मास कॉस्ट मतलब क्या,
ए यानी कि एक तरह का थायरिस्टर निकल रहा है, निकल रहा निकल रहा निकल रहा है, यानी कि मास प्रोडक्शन है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है। तो बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कीजिएगा तो उसका कॉस्ट जो है सो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो मास प्रोडक्शन के कारण इसका कॉस्ट जो होता है इसे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, मिनिमाइज हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है बताइए, मिनिमाइज हो जाता है। इसीलिए ये सब जो है से इसका एडवांटेज हो गया, यानी कि इफिशियंसी ज़्यादा होता है, लो लॉसेस होता है, हाईली रिलेबल है, बहुत लंबा आयु होता है, लेस मेंटेनेंस होता है, बहुत जल्दी क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। मास प्रोडक्शन के कारण इसका कॉस्ट क्या है बताइए, कम है। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। आगे बात करते हैं डिसएडवांटेज का, कैसा भाई इसका डिसएडवांटेज ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या क्या डिसएडवांटेज है। सबसे पहला डिसएडवांटेज जो है से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर जो भी है वो हार्मोनिक को जनरेट करता है, टेंडेंसी टू जनरेट हार्मोनिक इन द सप्लाई सिस्टम एज वेल एज द लोड। जो सप्लाई से यूज कर रहे हैं इस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को, उसमें भी हार्मोनिक दे सकता है, लोड में भी हार्मोनिक। हार्मोनिक क्या है बेसिकली, हार्मोनिक जो जैसे कि फ्लिकर हो रहा है ना, ये सब हार्मोनिक के कारण हो रहा है। जैसे बल्ब जो है इस टाइप से हो रहा है, ऑन ऑफ इस टाइप से फ्लिकर हो रहा है, बेसिकली ऐसे हो रहा है। ठीक है, इस टाइप से फ्लिकर। तो ये देखते होंगे जनरेटर, जैसे नॉर्मल जनरेटर देखते होंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता होगा। तो ये जो है फ्लिकरिंग वोल्टेज का फ्लक्चुएशन अप डाउन, ठीक है, ये किसके कारण होता है, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के कारण होता है। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हार्मोनिक को क्या करता है, जनरेट करता है। तो ये हार्मोनिक को जनरेट करता है कौन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। तो एडवांटेज तो है, बहुत सारा एडवांटेज बताएं, जिसमें गुण है उसमें अवगुण है ही, बात समझे, गुण रहेगा तब गुण रहेगा ही। तो ये सबसे बड़ा अवगुण है इसमें कि हार्मोनिक जनरेट करता है, गुण है तो अवगुण होगा ही। लेकिन इस अवगुण होते हुए भी इसको बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि अवगुण तो है ही, साथ साथ गुण भी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हम लोग, एक कहावत है ना, जितना ज़्यादा नफरत होगा, कितना भी नफरत हो लेकिन दिल में तो चाहत है। इसमें एक गाना भी था, दुनिया में जितनी है नफरतें फिर भी दिलों में है चाहते, दुनिया में जितनी है नफरतें फिर भी दिलों में है चाहते, प्यारे वाले मर भी जाएं, प्यारे वाले मिट भी जाएं, फिर भी जिंदा रहती है उनकी मुहब्बतें, प्यारे वाले मर भी जाएं, प्यारे वाले मिट भी जाएं, फिर भी जिंदा रहती है उनकी मुहब्बतें। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ भी है, इसका ड्रॉबैक्स है फिर भी इसको हम लोग यूज करते ही करते हैं, बात समझे, ध्यान देते हैं। इसके अलावा और ये हार्मोनिक तो जनरेट होता है, हार्मोनिक सबसे ज़्यादा है, जो अगर सेंसिटिव डिवाइस अगर उससे कनेक्टेड है तो डैमेज कर सकता है। सेंसिटिव डिवाइस जैसे कि लैपटॉप जैसे सेंसिटिव है, कंप्यूटर सिस्टम सेंसिटिव है, अगर विदाउट UPS अगर इसको यूज कीजिएगा तो डैमेज कर सकता है। UPS क्या करता है, इंटरप्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है। तो अगर विदाउट UPS अगर लैपटॉप डेस्कटॉप पे यूज कीजिएगा तो खराब हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर है लो ओवरलोड कैपेसिटी, यानी कि इसको मान लीजिए कैपेसिटी है, मान लीजिए कि 10 MVA का, तो आप 10.5 कीजिएगा, 11 कीजिएगा तो वर्क नहीं करेगा, बहुत कम ओवरलोड कैपेसिटी होता है। इसको बहुत ज़्यादा आप ओवरलोड नहीं कर सकते पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर। यही मोटर रहेगा, मोटर अगर 10 HP का है तो 10 के जगह 11-12 तक भी हो जाता है तो जलता नहीं है, ठीक है, बात समझे, उतना कैपेसिटी ले करके चलता है। लेकिन ये तुरंत क्या होगा, खराब हो जाएगा, ओवरलोड कैपेसिटी इसका बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत ही लो होता ओवरलोड कैपेसिटी। रेगुलेशन ऑफ पावर इज डिफिकल्ट इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर। रेगुलेशन ऑफ पावर मतलब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बात समझे। तो यहाँ तक हम लोग देखें एडवांटेज इसका क्या है, डिसएडवांटेज इसका क्या है, इसको नोट करने के बाद आप नोट कीजिए इसको। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ कन्वर्टर, जो एक तरह का बोल सकते हैं कि इसमें कौन कौन सा डिवाइसेस को यूज करते हैं, कौन कौन सा डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है, अपने आप में सारा सब एक आपका चैप्टर होगा, जिसको आप नोट कीजिए। बाकी टाइप ऑफ कन्वर्टर का हम बात करते हैं। देखिए हमारा टाइप ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर है,
ये बेसिकली डायोड रेक्टिफायर है, एसी टू डीसी कन्वर्टर है, चॉपर है, इन्वर्टर है, एसी टू एसी कन्वर्टर है, ये सब सारा जो भी देख रहे हैं अपने आप में चैप्टर, इसी चैप्टर्स के बारे में आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो डायोड रेक्टिफायर जो है एक काम क्या करता है बताइए, ये जो कन्वर्ट करता है एक डायोड रेक्टिफायर एसी इनपुट टू ए फिक्स डीसी वोल्टेज, एसी इनपुट इनपुट कन्वर्ट एसी इनपुट टू फिक्स्ड डीसी वोल्टेज, दिस डीसी वोल्टेज, ये एसी टू डीसी कन्वर्टर है, एसी टू डीसी कन्वर्टर है, इसको बोलते हैं फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, इसको क्या बोलते हैं फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, इसको हम लोग बोलते हैं फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। ये भी क्या करता है, कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट एसी इनपुट टू वेरिएबल डीसी वोल्टेज, इसका मतलब क्या हुआ, वेरिएबल डीसी, डीसी तो कांस्टेंट होता है, कहने का मतलब इसमें कुछ फेज होता है, कुछ इसमें फायरिंग एंगल कंट्रोल होता है जो कि ऑलरेडी डिस्कस करेंगे आगे, तो ये फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके डीसी वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। एक होता है चोपर, चोपर क्या होता है, चोपर, ये चोपर जो करता है ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, यानी कि डीसी वोल्टेज यदि कम रहेगा तो ज़्यादा करना है तो उसको बूस्ट कन्वर्टर बोलते हैं, एक हमारा डीसी वोल्टेज ज़्यादा है उसको कम करना उसको बक कन्वर्टर बोलते हैं, ठीक है। तो स्टेप अप कन्वर्टर भी हो सकता है, स्टेप डाउन कन्वर्टर भी हो सकता है, यानी कि ये बेसिकली वोल्टेज को बढ़ाने घटाने का काम करता है, कौन, चोपर, चोपर, तो चोपर का काम है मेनली वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना, ठीक है। रेक्टिफायर का काम क्या है, एसी को डीसी में बदलना। इन्वर्टर जो है आप लोग सबका घर में भी रहता होगा, इन्वर्टर का मेन काम क्या बताओ, इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर उसमें डीसी सप्लाई होता है, तो डीसी को क्या बदलता है, एसी में बदलता है, ठीक है। ये जो होता है से क्या करता है, कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करता है क्या, डीसी टू एसी में, ठीक है। एसी वोल्टेज कंट्रोलर क्या करता है, एसी वोल्टेज, एक एसी वोल्टेज को दूसरे वोल्टेज में करता है एट सेम फ्रिक्वेंसी, ये कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट, कन्वर्ट वन एसी टू अदर एसी वोल्टेज, वोल्टेज एट सेम फ्रिक्वेंसी, सेम फ्रिक्वेंसी। इसमें क्या करता है साइक्लो कन्वर्टर, ये हमारा वोल्टेज को नहीं बदलता, फ्रिक्वेंसी को चेंज करता है, इट चेंज, चेंज फ्रिक्वेंसी, यानी कि एक वोल्टेज को दूसरे वोल्टेज में डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पर आपका क्या करता है, चेंज करता है, ठीक है। यानी कि इनपुट अलग फ्रिक्वेंसी पर होगा, आउटपुट क्या होगा बताइए, अलग फ्रिक्वेंसी पर होगा, फ्रिक्वेंसी को चेंज करने वाला को साइक्लो कन्वर्टर, वोल्टेज को चेंज करने वाले का एसी वोल्टेज कंट्रोलर, इन्वर्टर डीसी को एसी में बदलता है, चोपर एक डीसी को दूसरे डीसी में बदलता है, ए एसी टू डीसी बदलने वाला फेज कंट्रोल रेक्टिफायर या डायोड रेक्टिफायर होता है। फेज कंट्रोल में हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, डायोड रेक्टिफायर में कंट्रोल नहीं होगा, एक फिक्स डीसी मिलेगा, ठीक है। ये सब में से एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है कि आपको आएगा, 20 ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव यहां से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऑल्सो, कौन चोपर का क्या काम है, इन्वर्टर का क्या काम है, रेक्टिफायर का क्या काम है, एसी टू एसी कन्वर्टर का क्या काम है, साइक्लो कन्वर्टर का काम क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से सारा चीज आपको कोई एग्जाम्स में क्या करता है, पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 20 नंबर में से एक नंबर का ऑब्जेक्टिव जरूर पूछेगा, ये टीटीआई है, तावा तोड़ इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में आपको रखना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट कर लेना है, ठीक है। आप ये कहाँ पर देख रहे हैं, सबसे बेस्ट चैनल यूट्यूब चैनल आपका बेस्ट टेक्निकल एकेडमी, या मोबाइल ऐप बेस्ट टेक्निकल एकेडमी पर आप देख रहे हैं, कहाँ पर देख रहे हैं आप, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी, ये बेस्ट टेक्निकल एकेडमी पर आप देख रहे हैं, ठीक है। यदि आपका ऐप नहीं होगा तो इस ऐप को प्ले स्टोर से आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब मांगेगा, रजिस्टर कर लेना है, और आपका फेवरेबल कोर्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को सर्च कर लेना है, ये 6 सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल को पढ़ना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ईजी वे में मैं पढ़ा रहा हूँ, यदि केवल आप कोर्स को अगर बाय किए हैं, सब्सक्राइब किए हैं, तो केवल आप ही नहीं कीजिए, सारे अपने मित्र को भी बताइए, ठीक है, जिससे कि उन लोग भी इसका क्या करें, फ़ायदा ले पाएँ। और यदि चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे, मेरा शुभकामनाएं आपके साथ, थैंक यू।